अस्सलामुअलैकुम। आज हम बनाएंगे चौले की भाजी, जो इस तरह से रहते हैं। ये डेढ़ गड्डी है टोटल, इसको हमने तोड़ के धो के एक छन्नी में निकाल दिया है। तो ये डेढ़ गड्डी है, तो इसके लिए हमने 100 ग्राम मटन लिया है। इसका हम बारीक कीमा करेंगे और 9-10 हरी मिर्ची ली है और 2-3 सूखी हुई लाल मिर्ची और 2 टेबल स्पून पूरी 1 डल्ली लहसुन के लिए और 1.5 डल्ली प्याज के लिए हमने, जो इस तरह हमने इसको बारीक चॉप कर दिया है। और 1 कप तेल लगेगा हमें, इसमें थोड़ा तेल थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। मटन नहीं खाना चाहते तो आप बघारी भी बना सकते। तो आपको सिर्फ ये तीनों चीज़ें मिलाकर पीसना है मिक्सी में और फिर ये प्याज डाल के सिर्फ सेम वही रहेगा, सिर्फ मटन नहीं डालना है। तो ये बघारी भी बहुत टेस्टी दिखती है। एक जार में हम ये सब डाल देंगे और इसे थोड़ा मोटा मोटा अदरक अदरक पीस लेंगे। ये हमने से अदरक अदरक पीस लिया है, इसमें हमने सूखी हुई लाल मिर्ची, हरी मिर्ची और लहसुन लिया है। तो इसी तरह इसको मोटा मोटा पीसना है, बहुत बारीक नहीं करना है। सबसे पहले हम एक पैन में ये जो हमने तेल रखा था वो डाल देंगे। फिर उसके बाद ये पूरी प्याज डाल देंगे। फिर से थोड़ी ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। उसके बाद हरी मिर्च का, लहसुन का उसका पेस्ट डालेंगे। थोड़ा से 1-2 मिनट फ्राई होने देंगे। इसी में ही हमें नमक डालें, नमक आप आपके हिसाब से डालें। हमने आधा कप नमक डाला है इसमें। ये प्याज हमारी थोड़ी हल्की सी गोल्डन ब्राउन होना शुरू हुई है। अब इस स्टेप पे हम ये हरी मिर्ची और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये भूनना है, 1-2 मिनट तक इसे भूनना है। फिर अब हम इसमें क्रीमा डाल देंगे। अब इसमें हम हमारा क्रीमा डालेंगे। इसे मिक्सी में हल्का सा मटन को घुमा दिया हमने। थोड़ा सा पानी डालेंगे। पानी हम थोड़ा सा डालेंगे और इसे 5-6 मिनट तक ढककर गलने देंगे। थोड़ा सा हल्दी पाउडर डालेंगे, बिल्कुल आधा की चुटकी भर, सिर्फ कलर आने के लिए। फिर से हम ढक कर 5 मिनट तक क्रीमे को गलने देंगे। आप चाहे तो इसे कुकर में भी बघार सकते हैं। कुकर में 1 सीटी दिए तो क्रीमा गल जाएगा। उसके बाद आप इसमें भाजी डाल सकते हैं। ये अभी हम इसको ढक लेंगे। इसे अब हम ढक कर 5 मिनट तक पकने देंगे। हम इसको इस तरह से एक
कटिंग पैड पे काट के इसे काट के डालेंगे, इससे अच्छी टेस्टी बनती है भाजी। इंशाल्लाह हम आपको और दूसरे भाजियाँ भी बाद में बताएंगे, खट्टा चुका, कुल्फी की भाजी और मेथी की भाजी भी बताएंगे हम आपको बाद में। ये चौले की बगारी भी बहुत टेस्टी बनती है। इस तरह हम ये हमारा कीमा 5-6-7 मिनट पका है। इसमें हमने थोड़ा सा और आधा कप पानी डाला था, तो टोटल इसमें आधा कप पानी डाले हमने। अब ये कीमा है तो अलग तेल छोड़ दिया है, तो अब इस स्टेज पे हम इसको डाल देंगे, इस स्टेप पर इसको डाल देंगे। और इसे अच्छी तरह फिर भून लेंगे। थोड़ा ज़्यादा तेल डालेंगे तो अच्छा लगता है, ये भाजी में ज़्यादा तेल लगता है, तेल थोड़ा ज़्यादा ही डालना पड़ता है। और बहुत टेस्टी और बहुत ही हेल्दी है ये भाजी, ये बहुत फायदे हैं। इससे 4-5 मिनट इस तरह से भून लेंगे, तब तक के पूरी तरह अच्छी तरह ना पक जाए। इसे खुला रखते ही भूनना है हमें, फिर ढाकना नहीं है। तो 4-5 मिनट इसे पकने दें। हमें तो तेल कम लग रहा है, थोड़ा सा और डालेंगे, 1 टेबल स्पून डाला हमने, और थोड़ा से और 2-3 मिनट तक भूनेंगे, फिर ये हमारी भाजी तैयार है। इसे और भून लेंगे, इसे हमने और 5 मिनट पकाया था, अब ये हमारी भाजी तैयार है। अब इसे हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। लीजिए, ये हमारी सादी सिंपल चौले की भाजी तैयार है, जो टोटल 10 से 15 मिनट में ही बन जाती है। इसे आप घर पे ज़रूर ट्राई करें।